तो आप सब लोगों ने लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह सुना होगा कि गूगल ने अपने जो 3 फेमस कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट थे वो बंद कर दिए हैं, हैश कोड, किक स्टार्ट एंड कोड जाम। अब ये 2023 में बस एक बार और होंगे, उसके बाद दिल नेवर बी देयर। एंड आफ्टर लाइक 20 ईयर्स ऑफ कोड जाम, गूगल कोड जाम को बंद कर रहा है, एंड आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ तुम्हारा किक स्टार्ट, गूगल किक स्टार्ट को भी बंद कर रहा है। अब इससे तुम्हें क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंड इज दिस एंड टू कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, इस बारे में हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, मैं निशांत चारा, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या लाइक कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का एंड आ चुका है, क्या मतलब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इससे तुम पे कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है या नहीं। तो मेरा जो सबसे पहला थॉट है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो यार देखो ऑनेस्टली गूगल ये सारी चीज़ें जस्ट टू प्रमोट कोडिंग या फिर जस्ट टू प्रमोट कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कर रहा होता था, एंड हायरिंग करता था यहाँ से, लोगों को इंटरव्यू कॉल्स जाते थे। इसके अलावा गूगल के जो कॉलेज में कॉन्टेस्ट होते थे या फिर इन जनरल गूगल रिक्रूटर्स के थ्रू जो हायर करता था, वो उनका नंबर कंपेरेटिवली इन कॉन्टेस्ट के थ्रू आने वाले लोगों से ज़्यादा हुआ करता था। तो ये जो कॉन्टेस्ट होते थे दे वर नॉट लाइक बेसिकली जस्ट फॉर हायरिंग, मतलब कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग को प्रमोट करने के लिए होते थे ताकि लोग और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है गूगल कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग नहीं पूछेगा अपने इंटरव्यूज में या फिर उन्होंने इस पर लाइक ध्यान देना कम कर दिया है। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर टू कट देयर कॉस्ट। तो लिंक्डइन पर रिसेंट एक पोस्ट आया था बाय द गूगल्स एक्स लाइक प्रोग्राम मैनेजर, जो इस पे किक स्टार्ट कोड जाम वगैरह पे काम कर रहे थे, तो शी जस्ट रिसेंटली गॉट लेड ऑफ, एंड ड्यू टू ऑल दीज मेजर्स आई थिंक दे आर जस्ट ट्राइंग टू कट कॉस्ट, एंड दीज वर समथिंग जिनसे गूगल को एज सच कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, दिस वॉज समथिंग टू प्रमोट कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग और टू हायर सम पीपल। तो जो हायरिंग हो रही थी वो परसेंटेज जो था वो काफ़ी कम था इससे, एंड इसके अलावा क्योंकि द पीपल हु आर डूइंग दिस और हु आर गेटिंग हाइएस्ट रैंक्स आर द स्मार्टेस्ट पीपल अराउंड द वर्ल्ड, तो वो स्मार्टेस्ट पीपल ज़रूरी नहीं है कि वो गूगल में जाना चाहें, राइट। सो गूगल रीच आउट करता है लोगों को, लाइक माई फ्रेंड्स हु हैव गॉट अ गुड रैंक इन दिस, उनको इनके इंटरव्यूज वगैरह शेड्यूल हुए हैं, दे हैव गॉट ऑफर्स फ्रॉम गूगल, बट देर इज अ पॉइंट जब उन्होंने गूगल एक्चुअली ज्वाइन ना करी हो, दे हैव लाइक गॉट अ बेटर ऑफर फ्रॉम सम अदर कंपनी जो ज़्यादा पैसे दे रही थी गूगल से, तो उन्होंने वो जाके ज्वाइन कर ली। एट द एंड ऑफ द डे जो भी कॉन्टेस्ट करा रही थी गूगल, इससे गूगल को बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, एंड रिसेशन के चलते हुए दे थॉट कि दिस इज़ वन ऑफ द कॉर्नर्स दैट दे कैन कट, एंड इतना उनको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इससे, सो दे हैव ड्रॉप्ड दिस ऑफ। बट इससे सी पी पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ऑनेस्टली इन माई ओपिनियन इससे सी पी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यार, ठीक है। कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग हमेशा से एज अ स्पोर्ट था, ठीक है, ये वन ऑफ द कॉन्टेस्ट थे, वन ऑफ द चैम्पियनशिप थी या फिर कुछ भी कह लो जो लाइक लोगों को पसंद ही करना, ठीक है। इसके अलावा कोई और नया कॉन्टेस्ट आ जाएगा, बट इसके अलावा जो हमारे आई सी पी सी जो है वो तो चल ही रहा है ना, इसके अलावा और भी बहुत सारे तुम्हारे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के कॉन्टेस्ट होते रहते हैं जिनमें प्राइजेस भी होते हैं, जिनसे लोगों को रिकग्निशन भी मिलता है, कोड फोर्सेज पर तो होता ही रहता है, राइट। तो इससे इतना ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ऑनेस्टली, एंड जिन लोगों को कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग पसंद है वो फिर भी करते रहेंगे, एंड जो लोग कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करते हैं ना यार, सब लोग बस इंटरव्यूज़ को क्लियर करने के लिए नहीं करते हैं, कुछ लोगों को वो पसंद होती है, दे जस्ट लव द थ्रिल कि ये कोड करते करते कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने में उनको मज़ा आता है, तो वो इसलिए करते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग एंड जो तुम्हारे इंटरव्यूज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा लिंक नहीं होता है, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग नहीं करी थी, ठीक है, बहुत बेसिक थोड़ी बहुत करी थी, एंड लीड कोड को आई डोंट कंसिडर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग एज सच, ठीक है, वो DSA ही होता है, होते हैं उसमें कॉन्टेस्ट, पूछते हैं उसमें क्वेश्चन थोड़े CP लेवल वाले, बट द क्वेश्चन विच आर देयर इन कोड फोर्सेज आर नॉट कंपेरेबल टू लीड कोड इतना ज़्यादा, ठीक है। लीड कोड पर थोड़ा DSA लेवल होता है, एंड वहाँ पर तुम अगर कॉन्टेस्ट दे रहे हो तो आई डोंट कंसिडर दैट एज कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, वो सेम हो गया, तुम GFG पे कॉन्टेस्ट दे रहे हो, तुम लीड कोड पे कॉन्टेस्ट दे रहे हो, तो मैं उसको तो कंसिडर नहीं करता हूँ, ठीक है। अगर तुम लोग करते हो तो एक बार फिर से सोच के देखना। बाकी यार इंटरव्यू पैटर्न्स माइट चेंज इन द फ्यूचर, बट द मेन थिंग विच कंपनीज लुक फॉर इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स जो तुम्हारे होते हैं, कि हाउ गुड यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, ठीक है। क्वेश्चन वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, बस वो देखना क्या चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि जो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, जो तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो कैसे हैं, क्या तुम प्रॉब्लम को समझ के उसको लाइक छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, उसका सॉल्यूशन निकाल पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे हो। अलग अलग वेज होते हैं कंपनीज़ के हायर करने के लिए, अगर वो फ्रंट एंड डेवलपर को हायर कर रहे हैं तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चन देंगे या तुम्हें टास्क दे देंगे,
अगर वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर हायर कर रहे हैं जो कुछ जिससे वो कुछ भी करा सकते हैं, तो DSA was something जो वो पूछते थे, बिकॉज उससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी लाइक चेक हो जाती है, ठीक है, वो बेस है, वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वो तुम्हें आना ही चाहिए. दैट्स वाई एवरीवन आस्क दैट, इवन इफ यू आर लाइक 5 years एक्सपीरियंस, 6 year एक्सपीरियंस, तुमसे डिफिकल्टी लेवल कम हो जाएगा, बट तुमसे पूछते जरूर हैं. अब एक क्वेश्चन होगा, अगर तुम फर्स्ट ईयर में या फिर 12th पास करिए, तुम सेकंड ईयर में और तुम कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे थे टू गेट इन टू गूगल, टू गेट इन टू एनी कंपनी, सो शुड यू स्टॉप डूइंग कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग? इन माई ओपिनियन नहीं, ठीक है. अगर तुम्हें मजा आ रहा है वो करने में तो करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, उससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जरूर बेटर होती है, तुम मानो या ना मानो, ठीक है. तुम प्रॉब्लम्स को अलग तरीके से सोचने लगते हो, तुम प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व करने लगते हो, बिकॉज लाइक प्रियांश इज वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छा कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर है, ठीक है, एंड उससे मैंने कई बार बात करी है. वाई ही डज दैट इज क्योंकि उसको उसमें किक मिलती है, उसको मजा आता है वो करने में, ठीक है. ऐसे ही स्ट्राइवर इज अ वेरी गुड लाइक कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर. मेरे दोस्त हैं जो 6-star कोडर हैं, लाइक व्योमकेश इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही इज इन गूगल एंड वो ब्रेड कोडर था, ठीक है. तो ये सारे लोगों को मज़ा आता है बस कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करने में, ऐसा कुछ है नहीं कि इनसे कुछ इनको आउटपुट मिल रहा है, मज़ा आता है तो करते हैं. तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें DSA करने से ज़्यादा इसमें मज़ा आता है, DSA करना ही करना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट अगर तुम्हें CP करने में मज़ा आ रहा है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रोजेक्ट्स वगैरह साथ साथ बना लेना, क्योंकि आई थिंक थोड़ी बहुत प्रोजेक्ट्स की इंपॉर्टेंस आगे जाके बढ़ सकती है. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस, कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट कर नहीं सकता. अगर मैं बोलूँ भाई CP ख़त्म हो गई है या फिर अब कुछ भी स्टार्ट होने वाला है, तो वो बेवकूफ़ी होगी, ठीक है. हम जो हो रहा है उसको देख के एनालाइज कर सकते हैं, हम फ्यूचर को कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. बस अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाते रहो, DSA पे अच्छे से काम करते रहो. और DSA पे अगर तुम्हें सीखना है, DSA कैसे सीखना है, कौन से टॉपिक्स करने हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी DSA इन 100 days, वो लिंक तुम्हें यहाँ पे आ रहा होगा, थंबनेल तुम्हें दिख रहा होगा, तुम जाके वो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो. तुम्हें कोई भी डेवलपमेंट सीखना है, ठीक है, एंड्रॉयड वेब, या फिर तुम्हें प्रोजेक्ट आइडियाज़ चाहिए, जैसे अब तुम कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो बहुत टाइम से लेकिन तुम्हारे पास प्रोजेक्ट्स ही नहीं है, तो भैया ने प्रोजेक्ट का 40 प्रोजेक्ट्स के आइडियाज़ दिए थे, उसमें तो कुछ ऐसे हैं जिनके लिए तुम्हें कोई भी फ्रंट एंड बैक एंड लाइक ऐप डेवलपमेंट नहीं सीखनी पड़ेगी. 6-7 प्रोजेक्ट आइडियाज़ मैंने वो भी दिए थे जो तुम बेसिक C++ पाइथन से भी बना सकते हो. उस वीडियो का लिंक भी आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में भी, वो भी तुम जाके डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो. अगर तुम्हारे प्लेसमेंट सीजन से पहले तुम्हें 2-3 प्रोजेक्ट्स रिज्यूमे में डालने हैं जो कि ज़रूर डालने चाहिए क्योंकि तुमसे पूछा जाता है उससे रिलेटेड. तो ऑन दिस नोट यार, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग इज नॉट गोना एंड, ठीक है, इट्स जस्ट अ स्पोर्ट, जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, ये सारे स्पोर्ट्स हैं, फिजिकली खेले जाते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मेंटल स्पोर्ट्स जो मतलब ऐसे दिमाग से खेला जाता है. इसके कॉम्पिटिशन्स होते रहेंगे, एक बंद होगा तो दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, तो डोंट गेट डिसहार्टेंड और डिप्रेस्ड कि यार मैंने तो इतनी मेहनत करी थी, अब मैं अपने सेकंड ईयर में सोच रहा था कि मेरे को गूगल से इंटरव्यू कॉल आ जाएगा. यार तुम्हें गूगल से इंटरव्यू कॉल वैसे भी आ जाएगा अगर तुम अच्छे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर हो गया, फिर तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी होगी. तुम्हें अगर कॉलेज से निकलते या कॉलेज का टाइम नहीं आएगा तो 2 साल काम करने के बाद आ जाएगा, ठीक है. रिक्रूटर्स विल रीच आउट टू यू, डोंट वरी अबाउट दैट. वो कंपनीज़ को तुम चाहिए, ठीक है, तुम्हें वो कंपनीज़ नहीं चाहिए, समझ रहे हो. तो इतना ही था यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप तुम्हें वीडियो में मज़ा आया होगा, तुम्हें थोड़ा समझ आया होगा कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है. मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए.